हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया। देखिए, उत्तर प्रदेश में 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के आज का डे जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट डे था। रीज़न क्या है कि 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ही अलग अलग मैटर को लेकर के कई जगह रेट फाइल की गई थी। कहाँ का रेट फाइल की गई थी और उसमें क्या हुआ, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि लखनऊ खंडपीठ का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस था, क्योंकि लखनऊ खंडपीठ में ही कट ऑफ का मैटर पर हियरिंग चल रही है और ये लंबी हियरिंग चल रही है। लास्ट वीडियो में भी हमने कई बार आपसे बोला था कि जो भी डिसीज़न मेन डिसीज़न होगा वो लखनऊ खंडपीठ का होगा। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो डेट 19 मार्च लगा दी गई है, अब ये भर्ती इलेक्शन के बाद होगी। हमने उसी समय उसका खंडन किया था कि उससे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि मेन मुद्दा जो फंसा हुआ है वो कट ऑफ मैटर को लेके फंसा हुआ है, वो भी कहाँ पर, लखनऊ खंडपीठ में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये भी थी कि लखनऊ खंडपीठ से ही स्टेटस को का आर्डर आया हुआ है, अगर स्टेटस को हटेगा तो लखनऊ खंडपीठ से ही हटेगा और कहीं से नहीं हटेगा। तो इसी को लेकर बड़ी लंबी सुनवाई चल रही है लखनऊ खंडपीठ में कट ऑफ को मैटर को लेकर के, ठीक है। सेकंड, रीट फाइल की गई थी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में। रीट कई दिन पहले फाइल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 11 फरवरी 2019 को डेट लगी हुई थी हियरिंग की। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69 शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कराने के लिए रीट फाइल की गई थी। हालांकि वहाँ पर हियरिंग स्टार्ट हुई, पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी बात रखी और जो है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो इसकी लगा दी गई है 8 अप्रैल 2019, इसको याद रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अब इससे कोई रिलेशन नहीं रह गया है, पेपर कैंसिल होना नहीं है। हमने सबसे पहले 9 जनवरी 2019 को एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें लिखे थे कि हमने थंबनेल में लिखा था कि सच्चाई कड़वी होती है, उसमें आप देख लीजिए जा करके, उस वीडियो को इसी चैनल पे हमने अपलोड की थी, जबकि यूट्यूब पे पूरा भरा पड़ा था कि पेपर रद्द होगा, ठीक है। हमने ही सबसे पहले सिर्फ 2 दिन बाद ही सबसे पहले पहल की थी कि पेपर किसी कीमत पे अब रद्द होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़, दूसरी रीट फाइल की गई है लखनऊ खंडपीठ में, ये आपको पता है, लंबी हियरिंग चल रही है और आज 11 फरवरी 2019 को 2:15 पे हियरिंग थी, ठीक है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस राजेश पी चौहान जी की पीठ में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कट ऑफ मैटर को लेकर के, तो आज राधाकांत ओझा जी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, आज उन्होंने शिक्षा मित्रों के वकीलों की तरफ से अपना पक्ष रखा, ठीक। अब जो हैं उनकी तरफ से एलपी मिश्रा जी अपना पक्ष रखेंगे, उनको कुछ समय दिया जाएगा। कोर्ट की सुनवाई लगभग ख़त्म हो चुकी है, पूरी हो चुकी है। अब जो है नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 13 फरवरी 2019 को लगाई गई है 10:15, ठीक है, और इस दिन जो है पूरे डे हियरिंग होगी और हो सकता है सब कुछ अच्छा रहा तो 13 फरवरी को ही शाम तक जो फैसला होगा, जो डिसीजन होगा वो रिजर्व कर लिया जाएगा। हो सकता है अगर टाइम मिलेगा तो डिस्क्लोज भी कर दिया जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट डेट पे डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ अशोक तिवारी जी अपना पक्ष रखेंगे और उसी दिन जो है बहस जो है पूरी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि पूरी डे हियरिंग होनी है और आपको शाम तक डिसीजन आ भी सकता है या फिर फैसला को रिजर्व करके नेक्स्ट डे हियरिंग पे इसको डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि अभी माननीय उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने कल अपने दौरे पर, श्रावस्ती दौरे पर गए थे और वहाँ पर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा चुनाव से पहले संपन्न करा ली जाएगी, ठीक है, ये उनका स्टेटमेंट है। और उम्मीद है कि चुनाव से पहले, हमने पहले भी कहा था कि 15 फरवरी तक अगर डिसीजन कोर्ट का आ जाता है तो गवर्नमेंट को सिर्फ 15 डेज़ का समय चाहिए, 15 डेज़ में वो फाइनली आपको कम्प्लीटली प्रोसेस हो जाएंगे, काउंसलिंग प्रोसेस, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट, जो भी चीज़ें होती है वो सभी हो जाएंगी। देखिए, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये नहीं हम कह रहे हैं कि किस फेवर में फैसला आएगा, लेकिन इतना मान के चलिए कि 60-65 कट ऑफ के फेवर में फैसला आने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है। हालांकि हमारे कुछ व्यूअर इससे नाराज भी होंगे, लेकिन ये मान के चलिए, क्योंकि जिस हिसाब से कोर्ट का रुख लग रहा है उस हिसाब से 60-65 के कट ऑफ पे
जो डिसीज़न है आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, वो तो अब जिस दिन डिसीजन आएगा उस दिन क्लियर हो जाएगा। तीसरी चीज़ है 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के ही यूपी टेट 2018 का मैटर, जो कि डबल बेंच से खारिज कर दी गई थी याचिका गलत प्रश्नों को लेकर के, इसकी अपील दायर की गई थी कहाँ पर, माननीय उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। हालांकि वहां पे स्टार्टिंग हुई, हियरिंग स्टार्ट होते ही इस केस को माननीय उच्चतम न्यायालय जी द्वारा रद्द कर दिया गया है, ठीक है। यूपी टेट 2018 जो सुप्रीम कोर्ट में गलत प्रश्नों को लेकर के जो माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई थी, जिसकी हियरिंग 11 फरवरी ऑफ 2019 थी, इसको जो है रद्द कर दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे यूपी टेट 2018 के गलत प्रश्नों का मुद्दा पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। अब जो पूरी के पूरा दारोमदार जो टिका हुआ है लखनऊ खंडपीठ पर, कट ऑफ मैटर को टिका हुआ है। अब मान के चलिए कि अंतिम सुनवाई 13 फरवरी को होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, नहीं तो 14 फरवरी या 15 फरवरी को बहुत जल्दी डिसीजन डिस्क्लोज कर दिया जाएगा, ओके। अब किस फेवर में डिसीजन आएगा ये आप लोग गेस करिए, आप लोग बताइए किस फेवर में डिसीजन आने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि हमने पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। जैसा भी जो कुछ होगा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो आज की अपडेट थी हमने आपको दे चुके हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।